महाराष्ट्र में निजी टीवी चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद जमकर सियासत गरमाई हुई है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक निंदा की जा रही है। इस कार्यवाही को लेकर महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचलने की बात कही जा रही है। वहीं इस मामले में हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में कहा कि महाराष्ट्र में आपातकाल लौट आया है। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। बार बार संविधान को खतरे में बताकर लोगों में डर पैदा करने वाली कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर महाराष्ट्र सरकार के सीधे हमले को लेकर क्या अब संविधान की दुहाई देकर अपनी खामोशी तोड़ेगी। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी को जिस तरह हिरासत में लिया है वो बेहद निंदनीय है। दरअसल ये कांग्रेस का चरित्र ही है कि वे जब भी सत्ता में आती है प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को ऐसे ही अपमानित करने का प्रयास करती है। कांग्रेस और महाराष्ट्र में उसके गठबंधन सरकार ने एक बार फिर लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया है। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सत्ता का दुरुपयोग, अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर सीधा हमला है। देश इस शर्मनाक हरकत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आज प्रातःकाल मुंबई में वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी के साथ और उनके परिवार के साथ जो दुर्व्यवहार मुंबई पुलिस ने किया है, उसने फिर से याद दिला दिया आपातकाल का, वो समय जब स्वतंत्रता ख़त्म कर दी गई थी। जो आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मांगते हैं, उनकी ही पार्टी ने ऐसा किया था। इस बार मुंबई में जो गवर्नमेंट बनी है महाराष्ट्र की, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। ऐसा लगता है इनकी मानसिकता का असर इस गवर्नमेंट पर भी हुआ है। और जिस तरह लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं हमेशा आपातकाल की याद दिलाती हैं, हम समझते हैं कि ये बहुत निंदनीय काम हुआ है। अर्णव गोस्वामी को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और इस तरह के झूठे मामले बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो मामले बंद हो चुके हैं उनको फिर से खोलने का कोई औचित्य नहीं बनता। ये केवल बदले की भावना से ऐसा करना बहुत गलत है, निंदनीय है, लोकतंत्र के भावना के विरुद्ध है।